नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जी सी देवली क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड से है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, वॉट इज सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक विचारक थे जो बहुत बड़े मानवशास्त्री हुए विश्व में, रेडक्लिफ ब्राउन। उन्होंने कहा है कि सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाज का अध्ययन करती है। अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र में उन्होंने वर्तमान में जो सभ्य समाज है उनकी चर्चा नहीं की। उन्होंने माना कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वह आदिम या पूर्व शिक्षित समाज, अर्थात हमारे समाज का जो उत्पत्ति का क्रम था उसमें जो सबसे पहले वाला जो समाज था वो कौन था, आदिम, जिसे हम प्रिमिटिव या पूर्व शिक्षित समाज मानते हैं। हालांकि रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना करते हैं इवांस प्रिचार्ड, जिन्होंने न्यूर जनजाति का भी अध्ययन किया था। ये मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र केवल आदिम या पूर्व शिक्षित समाज ही नहीं, वरन यह तो सभी का अध्ययन करता है। हालांकि कुछ मामलों में उनका यह विचार आलोचनात्मक रहा, क्योंकि मूल रूप से सामाजिक मानवशास्त्र आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करता है। भारतीय समाजशास्त्री श्रीनिवास ने स्पष्ट करते हुए लिखा कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, अर्थात जितने भी ह्यूमन सोसाइटी है उनका एक कंपेरेटिव स्टडी करता है। इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य एवं ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं, पर फिर भी हमें अंततः यह मानना होगा कि मूल रूप से तो यह आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करता है, लेकिन उत्तरोत्तर विकास के क्रम में कुछ हद तक सभ्य और ऐतिहासिक समाज भी इसके अंतर्गत आते हैं। मूल रूप से इसके अंतर्गत ऐसे समाज होते हैं जिनकी जो टेक्निक्स है वो बहुत सरल है, अर्थात जो पूर्व शिक्षित लोग जो काम करते थे उनकी जो तकनीक होगी वो निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे आदमी की तुलना में काफ़ी हद तक सरल होगी। ऐसे लोग यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना कार्य करते हैं, और रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर, ये लोग कॉइन्स और राइटिंग की कला से भी अनभिज्ञ थे, अर्थात जो मुद्रा एवं लेखन कला वर्तमान समाज में जो व्यक्ति है, हम सभी लोग आधुनिक समाज में रहते हैं, हमारे लिए तो इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी सोचिए कितना मुश्किल होगा। और आदिम समाज के लोग मुद्रा और लेखन कला से भी अपरिचित थे। इन सभी परिभाषाओं, हमने अभी तक रेडक्लिफ ब्राउन की चर्चा की, हमने श्रीनिवास की चर्चा की, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है यह वह विज्ञान है जो मूल रूप से अपना ध्यान प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम समाजों पर केंद्रित करता है, आदिम समाजों पर केंद्रित करता है, और इन समाजों में प्रचलित सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था और उनमें रुचि रखता है। यदि आप लोगों से 20 शब्दों में लिखा पूछा जाए प्रश्न कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, तो आपको लिखना है कि यह मानवशास्त्र की वह शाखा है जो मूल रूप से आदिम समाजों का अध्ययन करती है। यदि आपसे 50 शब्दों में या डिटेल में लिखा पूछा जाए तभी आपको उत्तर इसका बड़ा करना है। अब हम अध्ययन करते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अर्थात इनका विषय क्षेत्र, अर्थात इनके जो सब्जेक्ट है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर हम किन किन विषय वस्तुओं को सम्मिलित करेंगे। तो सामाजिक मानवशास्त्र केवल संपूर्ण संस्कृति का ही संगठन नहीं करता, सामाजिक मानवशास्त्र संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में रुचि लेता है। इसकी दूसरा विषय क्षेत्र के अंदर हम रख सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र स्वयं को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता, वरन इससे भी अधिक आधुनिक जटिल समाज को समझने का भी प्रयास करता है। मूल रूप से जैसा मैंने आप लोगों का आदिम
और कुछ हद तक निश्चित रूप से आधुनिक और जटिल समाजों को भी इससे समझा जा सकता है। सामाजिक मानवशास्त्र अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधता। सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन का भौगोलिक फैलाव काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि आदिम समाज आपको पता है जनजाति और जो प्रिमिटिव कल्चर में जितने भी एरियाज हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हैं, ना तो इनको हम देश काल की सीमाओं में बांध सकते और इनका भौगोलिक क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सामाजिक मानवशास्त्र में मूल रूप से समाजों का अध्ययन किया जाता है, जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटी थी। संस्कृतियाँ अलग चीज़ होती है, जिसकी चर्चा आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि संस्कृति क्या होती है। तो सामाजिक मानवशास्त्र में मूल रूप से आपको ध्यान रखना है कि समाजों का अध्ययन करना है, समाजों का, ना कि संस्कृतियों का। अब यदि हम चेंजिंग स्कोप देखें कि किस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र में बदलाव आया है, क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या चेंज आए हैं, क्या चेंज सामाजिक मानवशास्त्र के अंदर आए हैं, उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। यदि हम पिछले कुछ वर्षों से देखें तो सामाजिक मानवशास्त्री, क्योंकि उनके जितनी भी ज़्यादातर आप लोग देखेंगे प्रिमिटिव सोसाइटी होती हैं, उनका संबंध निश्चित रूप से गाँव में होता है या ग्रामीण समुदायों में होता है। तो रॉबर्ट रेडक्लिफ ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था मैक्सिको के गांव टेपो जलान का रेडक्लिफ ब्राउन ने अध्ययन किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी भी रहेगा आप लोगों के लिए, कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर के आप एग्जाम देंगे, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आप लोगों से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मैक्सिको के गांव टेपो जलान की स्टडी किसने की थी। आपका उत्तर होना चाहिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तथा अपने अध्ययन में इन्होंने लोक संस्कृति तथा कृषक संस्कृति की अवधारणा का भी प्रयोग किया। उन्होंने गांव तथा शहर के मध्य पाए जाने वाले भेद को भी स्पष्ट किया। तो कहने का मतलब, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का दायरा था वो इस प्रकार से बढ़ा कि गाँवों तक, ग्रामीण समुदायों तक भी इनका अध्ययन हुआ है। और जो जितने भी ग्रामीण समुदाय के अध्ययन हैं अधिकांश, वो एक तरीके से सामाजिक मानव शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। ग्रामीण अध्ययनों की भांति ही कुछ वर्षों में सामाजिक मानव शास्त्रों ने नगरीय एवं औद्योगिक समाजों का अध्ययन भी किया। जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा कि निश्चित रूप से यह पूर्व आदिम या शिक्षित समाजों का अध्ययन करता है, पर ऐसा नहीं है कि यह औद्योगिक या आधुनिक समुदायों या समाजों का अध्ययन नहीं करता। कुछ हद तक वहाँ भी अध्ययन करता है, और इसका जो क्षेत्र है वर्तमान में, क्योंकि शुरुआत में तो आदिम समाज था, पर अब हम जैसा देख रहे हैं कि इसका क्षेत्र बदल रहा है, इसका विषय क्षेत्र बदल रहा है। अर्थात जो पहले केवल आदिम समुदाय थे, आदिम समाज थे, अब वह औद्योगिक और नगरीय समाजों की तरफ भी फैल रहा है। तो औद्योगिक तथा नगरीय समाजों में इनमें प्रमुख जो नाम आता है वो है एल्टन मेयो। आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, मेयो के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, एल्टन मेयो। उन्होंने अमेरिका के हॉर्टन प्लांट में काम करने वाले लोगों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया। सामाजिक मानव शास्त्रियों ने राष्ट्रीय चरित्र को भी अपने अध्ययन के क्षेत्र का आधार बनाया। इसमें प्रमुख नाम आता है मार्गरेट मीड, बेनेडिक्ट ग्रोफर आदि का, बेनेडिक्ट मीड और ग्रोफर आदि का। मैंडेलबाम ने भी भारतीय राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन के लिए गांधी जी के जीवन को चुना। जीवन वृत्तांत के अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया कि व्यक्तित्व निर्माण का सामाजिक संरचना और सामाजिक दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से ये भी याद रखना है, यदि आपसे पूछें कि मैंडेलबाम ने राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन के लिए किस चरित्र को चुना, तो आपका उत्तर होना चाहिए गांधी जी। अब ये प्रश्न आप लोगों के सम्मुख उठता होगा, या आप सोचते होंगे कि आखिरकार हम लोग आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं, वाई वी स्टडी प्रिमिटिव सोसाइटी, क्यों आखिरकार क्यों किया जाए इनका अध्ययन। तो निरक्षरता या लेखन या लिपि का ना होना आदिम समाज की विशेषता है। इसमें प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर पाया जाता है। इनमें आर्थिक विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। तो ये आदिम समाज की विशेषताएं भी हो गई एक तरीके से,
और ये ही वो कारण हो गए जिनकी वजह से इन लोगों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी का स्तर निम्न है, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन यहाँ है नहीं, लेखन या लिपि जैसा हमने शुरू में पढ़ा, साक्षरता भी बहुत कम है या बिल्कुल साक्षरता ना के बराबर है, इसलिए इनका समाजों का अध्ययन जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त आदिम समाजों के समाज या संगठन छोटे सामाजिक समूह जैसे गोत्र, ग्राम या जनजाति के द्वारा होता है, न कि सभ्य समाजों के समान राष्ट्र या साम्राज्य के आधार पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन लोगों का जो संगठन है वह गोत्र, गांव या जनजातियों के आधार पर बटा होता है, ना कि सभ्य समाजों के समान जैसे राज्य, राष्ट्र या साम्राज्य के आधार पर। इसमें नातेदारी और स्थान के आधार पर बने सामाजिक संबंध सभ्य समाजों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर किनशिप, जो आप फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं नातेदारी क्या होती है, उसके आधार पर, क्योंकि ये आदिम समाज होते हैं, यहाँ परिवार विवाह नातेदारी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए इनके जो संबंध होते हैं वो नातेदारी और स्थान के आधार पर बने होते हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा, आप इसका अच्छे से रिवीजन करें, और व्हाट्सएप में मैं आपको असाइनमेंट्स भी भेजूँगा इससे रिलेटेड, तो आप उन असाइनमेंट्स को भी करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए, और नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों से शीघ्र ही मिलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।